हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून माई सेल्फ। इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के पार्ट फोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट जो वीडियोस हुए हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैन पावर प्लानिंग और जो भी उसके प्रोसेस थे उसमें, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, सिलेक्शन था। तो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ओरिएंटेशन टेक्स प्लेस किया जाता है। ट्रेनिंग और क्या है, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इन नेचर है, ठीक है। ट्रेनिंग क्या होता है, मोल्ड द थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड लीड्स टू वर्क। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, ये बोथ दोनों के लिए जरूरी है। आपको जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए भी ट्रेनिंग जरूरत है और जो आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। जो नए कैंडिडेट हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उसके फैमिलियर होते हैं वो, ठीक है, उसके मिशन विजन एंड रूल के बारे में। और जो एग्जिस्टिंग है वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड होके अपने स्किल्स को और बढ़ाते हैं, अपडेट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, इम्प्रूव्स मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अगर ट्रेनिंग बेटर तरीके से होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं उनके मोरल क्या होगा, हाई होगा। मोरल हाई होगा तो क्या होगा, इफेक्टिवली वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उनका मोरल हाई रहेगा तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर उसमें फ्यूअर एक्सीडेंट होगा। अगर वो अच्छे से इनका ट्रेनिंग किया जाएगा तो क्या होगा, जो भी उसमें लैक होगा या शॉर्टेज होगा या जो कमियां होगी उसको प्रॉपरली उसको क्या कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। चांसेस ऑफ प्रमोशन रहेगा उनके, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अगर सही तरीके से क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग कंडक्ट होता है या कैंडिडेट या जो एम्प्लॉयज़ हैं ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी एंड क्वान्टिटी दोनों प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर मेथड ऑफ ट्रेनिंग में क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, वो वर्क करते करते साथ ही में करते हैं, ठीक है। और एक होता है सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग मेथड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्चुअल वर्किंग सिनेरियो होता है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ये बाहर होता है, बाहर इन द सेंस क्या होता है, मतलब वर्क को छोड़ के अलग से किया जाता है। जैसे इसमें हो क्या आपका है, सेमिनार्स है, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स है, कॉन्फ्रेंस है, ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज जनरली यूज्ड इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। तो ये सब ऑल अबाउट क्या था, हमारा पर्सनल ऑफ फंक्शन।